वेलकम टू माय चैनल किचन की दुनिया। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आम का पापड़। आम पापड़ तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हमने बिल्कुल मार्केट जैसा आम पापड़ बनाया है। आम तो सभी के घर में आता है, और जब हम आम काटते हैं तो कभी कभी आम खट्टा भी निकल आता है। तो बस ऐसा ही आम चाहिए हमें अपने आम पापड़ के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी बजाएं, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी आगे। तो चलिए हम आम पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं आम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आम का पल्प ले लिया है। आम थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, तभी आम पापड़ काफ़ी अच्छा खाने में बनता है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी डालने से हमारे आम पापड़ में वैसा टेस्ट नहीं आएगा। चलिए अब हम अपना सारा पल्प एक जगह छान लेते हैं। इसे छान लेंगे ताकि आम में कोई रेशा ना रह जाए। ऐसा करने से हमें रिज़ल्ट बिल्कुल मार्केट जैसा मिलेगा। इसे थोड़ा थोड़ा करके हम एक बॉल में छानेंगे। देखिए अब हमने सारा पल्प छान लिया है। हम गैस पे एक पैन चढ़ाते हैं जिसमें हमें अपना आम पापड़ बनाना है। हमने सारा पल्प इसमें डाल दिया है, और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। इसको हमें मीडियम आंच पर धीरे धीरे चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमें 1/4 लेनी है, क्योंकि आम में भी मिठास होती है। इसे हमें सही से पकाना है जिससे हमारा आम पापड़ परफेक्ट बने। और जब हम आम पापड़ को पकाएंगे तो इसमें छींटे उड़ेंगी, तो हम इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे। देखिए हमने इसे ढक्कन से कवर कर करके धीरे धीरे पकाना स्टार्ट कर दिया। अब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चिपचिपी रखनी है, जैसे एक तार वाली होती है, सेम वैसे ही रखनी है। जब ये पक जाए तो हमें पता चल जाता है ये किनारे छोड़ देगा। अब देखिए हमारा आम पापड़ पक के तैयार हो गया है। अब हम एक थाली लेते हैं, उसमें घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेते हैं। अब हम अपना सारा आम पापड़ इसी में डाल देंगे, और डाल के इसे फैला लेंगे। इसे डालते ही ये अपने आप ही फैल जाएगा। जी यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और प्योरी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि हमें ना ज़्यादा मोटा चाहिए और ना ज़्यादा ही पतला। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये निकलेगा नहीं ठीक से, और ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो खाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसे धूप में रख के सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप ना हो तो आप हवा में भी इसे सुखा सकते हैं। आराम से 1 या 2 दिन में ये सूख जाएगा, और हमारा परफेक्ट आम पापड़ मार्केट जैसा बिल्कुल रेडी। ये देखिए अब हमारा आम पापड़ सूख चुका है। मैंने इसे 1 दिन की धूप में रख के सुखा लिया है, और अब हम इसे हाथ लगाकर चेक करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट सूखा है हमारा आम पापड़। अब हम इसे एक चाकू की हेल्प से साइड से कट लगाते हुए निकाल लेंगे। देखिए हमने इसमें घी लगाया था, इसलिए ये बहुत ही ईजिली निकल आएगा। देखिए ये हमारा पूरा आम पापड़ निकल आया है। अब हम आपको इसे निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्टली बना है हमारा आम पापड़, बिल्कुल मार्केट जैसा। देखिए कैसा ग्लॉसी और शाइनी आम पापड़ बनके रेडी हुआ है हमारा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।